हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल फ्रेंड्स, आई एम शैलजा लाल फ्रॉम मेरठ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस अपनी बचपन की बहुत ही प्यारी फ्रेंड ऋचा गुप्ता फ्रॉम लुधियाना के माध्यम से ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे याद है ईयर 2019 में मैं फेसबुक पर कान्हा जी की बहुत सारी पिक्स पोस्ट और स्टोरीज़ वगैरह शेयर किया करती थी। तो एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड ऋचा का फ़ोन आया, तो वो मुझे कहने लगी कि आपने कोई स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म या कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन किया है कि जो तुम इतनी अच्छी अच्छी कान्हा जी की पिक्स और फोटोज़ वगैरह शेयर करती हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। तो जो कि मैं स्टोरी पढ़ती हूँ या कुछ फ़ोटो देखती हूँ या जो मेरे को स्टोरी से गाइडेंस मिलती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को ये कान्हा जी गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं वो फेसबुक पे शेयर कर देती हूँ। तो वो फिर मुझे बताने लगे कि उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है और गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से वो भागवत गीता का अध्ययन कर रही हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबका ह्यूमन बिहेवियर होता है, हमें मतलब कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ बताई जाए तो हम उनको ये कह के बोल देते कि नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, और अपना पूरा स्केड्यूल उनको बताने लग पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मुझे कहा गया तो मैंने भी उनको रिफ्यूज़ कर दिया ये कह के कि मेरे पास टाइम नहीं है। फिर कुछ दिन बाद हमारी बातचीत हुई, तो वो मुझे बताने लगी कि वो सेशन ले रही हैं, वो लीड कर रही हैं सेशन, और उसमें वो भगवद्गीता का अध्ययन करवा रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने कभी भी भगवद गीता नहीं पढ़ी है, और अगर मैं बीच में से ज्वाइन करूँगी तो मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपना मतलब रेस्टिंग टाइम दोपहर का सेक्रीफाइस करके मुझे भगवद गीता पढ़ाना शुरू करा, और मेरे को मेन ग्रुप के बराबर ला के मुझे मेन ग्रुप ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कान्हा जी ने ऋचा जी को अपना मैसेंजर बना के मेरी लाइफ में भेजा, जिससे कि वो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो जब हमने भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड और अर्जुन जी की स्टेट ऑफ माइंड एक ही जैसी है, कंफ्यूज्ड। पूजा पाठ तो हम पहले भी करते थे, बट मेरी लाइफ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस थी, ब्लेम गेम्स थी और नेगेटिविटीज़ थी। तो भगवद गीता का अध्ययन करने से मैंने ये जाना कि मुझे अपनी लाइफ जो है वो कान्हा जी के चरणों में सरेंडर करनी है। तो जब मैंने अपनी लाइफ कान्हा जी के आगे सरेंडर की और कान्हा जी को अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बिठाया, तो मेरी दिमाग एकदम रिलैक्स, एकदम पीसफुल हो गया, और मुझे ये लगा कि अब जहाँ वो एक बहुत ही प्यारा विनोद अग्रवाल जी का भजन है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। मेरे अंदर ये वाला भाव आ गया कि अब जब मैंने अपनी लाइफ की डोर कान्हा जी के हाथ में सौंप दी है, तो जहाँ वो मेरे को ले चले, जैसे वो मुझे रखे, मेरे को बस उसी चीज़ में ही खुशी रहनी है। और ये आते ही एकदम मेरी लाइफ में पीसफुलनेस आ गई और एकदम रिलैक्स हो गया मेरा माइंड। फिर उसके बाद मुझे भोग लगाने के लिए कहा गया, तो जब मुझे भोग लगाने के लिए कहा गया तो मैंने उसके लिए भी रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि भाई, हमारे घर में नॉनवेज वगैरह बनता है, तो कहीं मैं कान्हा जी को भोग लगाऊं और कहीं मुझे पाप ना चढ़े। तो ये सब हमारे दिमाग के मिथ्स होते हैं जो अपने आप ही बने हुए होते हैं, या लोगों ने हमारे दिमाग में डाले होते हैं कि आप ऐसे करोगे तो आपको पाप चढ़ेगा, आप ऐसे करोगे तो आपको पाप चढ़ेगा। तो मुझे भी इसी चीज़ का डर लगा कि भाई, कहीं मुझे पाप ना चढ़े। तो वो क्लैरिफिकेशन भी मेरी ऋचा जी के माध्यम से हुई कि भगवान जी बहुत काइंड हैं, वो बहुत कृपालु हैं, वो दयालु हैं, वो कभी भी अपने भक्तों को पाप नहीं देते। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, अगर आपके घर में अनियन गार्लिक वाला खाना बनता है, कोई बात नहीं, आप ऐसे फूड स्टफ्स उनको ऑफर कर सकते हो जिसमें अनियन गार्लिक नहीं डला हो, जैसे कि आप परौंठी उनको दे सकते हो, दही चीनी दे सकते हो, फ्रूट्स ऑफर कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ऑफर कर सकते हो, मिल्क ऑफर कर सकते हो। तो आप ऐसे भोग लगाना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद विद इन 1 or 2 months मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। तब कार्तिक मंथ शुरू होने वाला था, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा।
आई थॉट कि वो शायद कार्तिक मंथ के लिए ही नहीं खाएगा, लेकिन उसने उसके बाद भी कंटिन्यू नहीं किया। फिर मेरी डॉटर ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। अब फ्रेंड्स, हमारे घर का ये सीन है कि हमारे घर में नॉनवेज आता ही नहीं है, और आता भी अगर किसी ने खाना भी है तो वो बाहर ही कंज्यूम करते हैं, घर में नहीं आते। तो ये सब मेरे साथ कान्हा जी की कृपा की वजह से ही मेरे साथ ऐसे हुआ कि हमारे घर में अब नॉनवेज नहीं आता। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मैंने हरि नाम की महिमा को जाना और माला जाप करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, जब मैंने माला जाप करना शुरू किया तो मेरे को एक माला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 मैं मालाज अपनी बढ़ा पाई। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मेरी सारी ब्लेम गेम्स ख़त्म होने लगी, थैंकफुलनेस का भाव आया, सारी नेगेटिविटीज़ ख़त्म होने लगी। पहले तो कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता था तो मैं उसमें नेगेटिविटी ढूंढ ही लेती थी, लेकिन अब कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो शायद मेरे मन में ये आता है कि उसमें भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और मेरे मन में ये आता है कि शायद क्या पता कितना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था और कान्हा जी ने छोटे में ही छुटकारा दिला दिया। सारे तर्क वितर्क मेरे ख़त्म होने लगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम इवनिंग सत्संग ज्वाइन किया तो उसमें आरती का मतलब समझा रहे थे, तो उसमें एक लाइन थी कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो धीरे धीरे मुझे भी मेरे विकार पता चलने लगे और धीरे धीरे ख़त्म भी होने लगे। लाइफ पहले से ज़्यादा पीसफुल होगी क्योंकि अपनी सारी टेंशन जो है वो मैंने भगवान जी को दे दी, उसकी रज़ा को ही रज़ा माना, और फिर आ गया जीवन जीने का मज़ा आना। उसकी रज़ा को ही रज़ा जाना, फिर आ गया जीवन जीने का मज़ा आना। मेरे कई सारे हिडन टैलेंट्स निकल कर आए हैं। मुझे याद है मैं पोएट्री क्लास 4th में किया करती थी, उसके बाद तो पोएट्री का कोई नामो निशान ही नहीं था। धीरे धीरे एक एक लाइन अपने आप कैसे दिमाग में आने लगी और कैसे उनकी राइम्स बनने लगी, ये सब मेरे ऊपर कान्हा जी की ही कृपा है। अब थोड़ी सी भी ठोकर लगती है तो भगवान जी के लिए थैंकफुल आता है, थैंक यू भगवान जी, शायद पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था कि आपने मेरे को छोटे में ही मतलब निपटा दिया। ये सारे चेंजेस मेरे अंदर गोलोक एक्सप्रेस के साथ ही जुड़ कर आए हैं। बहुत सारी मेरी मिसकंसेप्शंस दूर हुई हैं। पहले हमारे बड़े कहा करते थे कि नहा धोकर ही पूजा पाठ करनी है, पर गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ये जाना कि आप कैसे भी किसी भी हाल में आप माला जाप कर सकते हैं, कि माला जाप करने का कोई भी परहेज़ नहीं है कि आपने सुबह सुबह पहले 4 बजे उठ के नहाना है तो उसके बाद ही माला जाप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी कैसे भी माला जाप कर सकते हैं। सेकेंडली, मुझे लगता था कि कुछ भी गलती हो गई है तो मुझे पाप लगेगा, पर ये भी मेरी मिसकंसेप्शन दूर हुई कि भगवान जी तो बहुत दयालु हैं, वो कभी भी पाप नहीं देते अपने भक्तों को। मुझे गोलोक एक्सप्रेस की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये एक ऑनलाइन मॉडल है। बींग अ हाउस वाइफ, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो डेली एंड जॉइन सत्संग, क्योंकि सत्संग जो है वो कभी भी हमारे घर के नियर बाय नहीं होता, कई बार फार ऑफ प्लेसेस पे भी होता है, तो वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, या फिर मैं किसी पे डिपेंड हूँ मतलब सत्संग जाने के लिए। अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं कभी मेरे को किसी को बोलना पड़ेगा या मतलब घर से बाहर निकल कर जाना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन मॉडल होने की वजह से मैं सत्संग कभी भी कैसे भी ज्वाइन कर सकती हूँ। और प्लस जो सत्संग की रिकॉर्डिंग्स हैं अब यूट्यूब पे भी आ रही हैं और स्पॉटिफाई पे भी है, उसको मैं खाना बनाते बनाते भी सुन सकती हूँ, और कभी कुछ मेरा मिस हो जाए तो उसको रिवाइंड और फॉरवर्ड भी कर सकती हूँ और उसको बार बार सुन सकती हूँ। तो ये बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए फ़ायदे की बात है कि हमें घर बैठे बैठे हम कैसे भी किसी भी हाल में सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। सत्संग मेरे लिए एक डिप्रेशन बस्टर है और मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी की डोज जो है वो सत्संग से मिलती है, और परम आनंद जो है वो मुझे सत्संग से ही मिलता है। हमारे गोलोक एक्सप्रेस का मिशन है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी एक बारी भगवद्गीता का अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि भगवद्गीता का अध्ययन करने से मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। एंड हरि नाम ज़रूर करें, हरि नाम इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हरि नाम है। जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो आप दवाई खाते हैं, तो हमारी जो बीमारी है उसकी दवाई जो है हरि नाम है। तो ऐसे तो नहीं है कि कोई बोले कि मैं डॉक्टर के पास तब जाऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। जब आप बीमार हो तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। सिमिलरली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो सॉल्यूशन है, उन सब की जो दवाई है, वो हरि नाम है। तो आप हरि नाम जो है ज़रूर ज़रूर करें। और
लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।